नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल MSG Creations पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सैटेलाइट जो हैं वो 2 फीट पे आप इंडिया में आसानी से देख सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि पूरे भारत में वो किस लोकेशन पर, बेस्ट लोकेशन पर 2 फीट पे ट्रैक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिस्ट में हमारा पहला सैटेलाइट है यूटेलसैट 3B। तो दोस्तों, यूटेलसैट 3B है, ये आप देख लीजिए ऊपर जो हमारा नॉर्थ में पहाड़ पड़ता है, जिसको हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, इस एरिया में आप इसको 2 फीट पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके सिग्नल 2 फीट पे मिल जाएंगे। तो अगला सैटेलाइट की तरफ चलते हैं। दूसरा सैटेलाइट है हमारा यूटेलसैट 7B। यूटेलसैट 7B यूरोप बी बीम है ये। इसका सिग्नल आपको 90 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 फीट पे आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा। और इसी में यूटेलसैट 7C, इसका अगर कवरेज देख लें तो दोस्तों, ये आपको 2 फीट में काफ़ी सारे भाग में आपको इसका सिग्नल मिल जाएगा इंडिया के। इसमें आप देख लीजिए नई दिल्ली, जयपुर, राजस्थान और गुजरात से सटे हुए इलाके में, बीकानेर, पंजाब, हरियाणा, देहरादून, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ सब इसमें पूरे एरियाज में ये आपको 2 फीट पे इसके आसानी से सिग्नल मिल जाएंगे। अब अगले सैटेलाइट की तरफ चलते हैं, जो हमें 2 फीट पे रिसीव होता है वो है यूटेलसैट 21B। तो दोस्तों, यूटेलसैट 21B है, इसका ये बीम है, ये देखो आसानी से 2 फीट पे रिसीव हो जाएगा, लेकिन इसमें वाइड बीम जो है इस पे सिग्नल रहते हैं। तो इसका हम देख लें तो इसका जो ये लोकेशन है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप आसानी से इसे 2 फीट में रिसीव कर पाएंगे। कई बार सर्दियों के टाइम में इस एरिया में, ये जो बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, इसमें भी इसका सिग्नल 2 फीट पे मिल जाता है। अब दोस्तों, अगले सैटेलाइट की तरफ चलते हैं। अगला सैटेलाइट है हमारा बदर फाइव। तो दोस्तों, ये बदर फाइव जो सैटेलाइट है, इसका कवरेज 2 फीट में इंडिया में कई जगह पर है। नॉर्थ में जो ये पार्ट है, ये सारा 2 फीट में आसानी से आप इसमें इसको रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 फीट पे रिसीव हो जाता है फुल। तो इसमें कुछ लोकेशन है, जैसे गुजरात हुआ पूरा, और राजस्थान हुआ, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाके में इसको आप 2 फीट पे आसानी से रिसीव कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगले सैटेलाइट की तरफ चलते हैं। तो अगला सैटेलाइट है हमारा पाकसैट 1R। तो पाकसैट 1R का ये है KU बैंड बीम। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इंडिया से बिल्कुल सटे हुए इलाके में, ये वाला नॉर्थ में, यहाँ पे 2 फीट पे इसका सिग्नल आराम से मिल जाएगा। और ये पाकसैट MM1, इसका भी दोस्तों 2 फीट पे आसानी से सिग्नल है हमारा नॉर्थ में, 2 फीट पे आसानी से सिग्नल मिल जाएगा। ये जो एरिया है, इतना जो बीम में आ रहा है आगरा तक, इसका बिल्कुल 2 फीट पे सिग्नल निकाल सकते हैं। और अगला सैटेलाइट है हमारा एक्सप्रेस AM7। दोस्तों, इसमें एक बीम है जो स्टीरेबल बीम है, फिक्स्ड थ्री ये बीम है। इसमें आप पूरे इंडिया में, इस पर दोस्तों अभी फ़िलहाल में एक ही चैनल है, लेकिन इसका सिग्नल आप पूरे इंडिया में 60 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं। तो इसका जो ये वाला बीम है, इसमें फुल पूरे भारत में इसका 2 फीट पे सिग्नल है। अब हम देख लेते हैं तुर्कसैट, इसका इसमें काम करेगा ईस्ट BSS बीम। तो इसके हम सिग्नल ज़रा देख लें, तो इसका सिग्नल ऊपर पार्ट में यहाँ पे 90 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन अगर आप
इस एरिया की बात करें, यहाँ पे आप इसको आसानी से दो फिट पे रिसीव कर पाएंगे। और इसके सटे हुए इलाके में, यहाँ पर इस इलाके में भी इसको दो फिट पे ट्रैक किया जा सकता है आसानी से, फुल चैनल आपको दो फिट पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया तुर्कसैट 4A, और इसी का एक सैटेलाइट है तुर्कसैट 3A, इसका भी मैप कवरेज देख लें। तो ये देख लीजिए, इस एरिया में आपको दो फिट पे सिग्नल, इसका तुर्कसैट जो 3A है इसका सिग्नल मिल जाएगा। अब एक बार एक और नए किसी सैटेलाइट को हम देख लेते हैं जी, ये 53 ईस्ट एक्सप्रेस AM6। इसका दोस्तों आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं कि ये इसका कवरेज कौन सा है, कौन से कवरेज पे इसका सिग्नल मिलेगा, इसका बीम क्या है। तो दोस्तों इसका अभी तक कोई बीम निर्धारित नहीं हो पाया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखो 50 सेंटीमीटर की डिस्क पर दिखा रहा है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की डिस्क दिखा रहा है, और कानपुर में दिखा रहा है 70 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने पिछली बार आपको लगा के भी दिखाया था, हमारा 2 फिट के डिस्क पे एक्सप्रेस AM3 के सिग्नल आपको देखने को मिल रहे, एक्सप्रेस AM6 के जो 53 डिग्री ईस्ट पे मिलता है इसके आपको सिग्नल देखने को मिल रहे थे। अब हम खुशी एक दूसरा सेटेलाइट देख लें, GSAT 55 डिग्री ईस्ट, GSAT 8। इसका दोस्तों सिग्नल पूरे इंडिया में 2 फिट की छतरी पे आसानी से मिल जाएगा। अब और सेटेलाइट आपको दिखा दें, ये है NSS 12, ये दोस्तों 57 डिग्री ईस्ट पे हमें मिलता है। इसमें साउथ एशिया बीम, जो दोस्तों ये साउथ एशिया बीम है, ये पूरे भारत में आप 2 फिट पे इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसमें अलग अलग फुटप्रिंट बने हुए हैं, इनमें आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 55 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर डिस्क साइज दिख रहा है। तो और दूसरे सेटेलाइट की तरफ चलते हैं, जो 2 फिट पे ये देख लीजिए कि, और सेटेलाइट एमोस, ये दोस्तों डिसोम नेपाल वाला सेटेलाइट है, इसका देख लीजिए कवरेज। तो ये दोस्तों ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है अपना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है नेपाल के पास वाला, इसमें आप इसको आसानी से 2 फिट पे लगा सकते हैं। इसका लास्ट बीम जो है ये मध्य प्रदेश पर है, लेकिन यहाँ पर भी आप आसानी से 2 फिट पे इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब हम और इधर चलते हैं, Eutelsat 70B, इसका बिल्कुल ही हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें दोस्तों वाइड बीम है, वाइड बीम का कवरेज देख लें तो वाइड बीम 75 सेंटीमीटर दिख रहा है इस पर। तो ऑल इंडिया इसका 2 फिट पे सिग्नल मिल जाता है, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन इसको आप आसानी से 2 फिट पे ट्रैक कर पाएंगे। और आपको हम दिखा दें F-STAR 7, ये कई बार आपके दिमाग में रहता है F-STAR 7, ये देखो चाइना बीम है, 2 बीम है इस पर, एक चाइना बीम है एक स्टीरेबल बीम। तो दोस्तों चाइना बीम का ये सिग्नल, इसका इधर है सिग्नल, ये जो अपना नॉर्थ का वेस्ट पार्ट है, इसमें आपको 2 फिट पे आसानी से सिग्नल मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका लोकेशन इस बीम के अंदर आता है तो आप 2 फिट पे आसानी से सिग्नल इसका मिल जाएगा। अब दोस्तों एक इसी में है स्टीरेबल बीम, ये आप कोलकाता में अगर हैं, कोलकाता के आसपास के एरिया में है, तो आपको 2 फिट पे इसका सिग्नल मिलता है। बाद बाकी बिहार में भी इसका सिग्नल मिल जाता है, लेकिन कम से कम वहाँ पे 90 सेंटीमीटर डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस बीम के आप देख लीजिए, अगर इस बीम के अंदर आपका लोकेशन आता है तो आप इसका सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे सेटेलाइट की तरफ चलते हैं, जो है थाईकॉम। थाईकॉम में दोस्तों 78 डिग्री पे मिलता है, और इसका थाईकॉम 6 हम कई बार लगा चुके हैं 2 फिट पे, ये थाईकॉम 6 लगा चुके हैं। इसका अगर कवरेज देखें दोस्तों, यहाँ पे ये इंडो चाइना बीम है, लेकिन यहाँ पे भी दिखा नहीं रहा कि कितने फिट का डिस्क आपको ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसका ये यहाँ तक बीम है, लेकिन हम यहाँ कानपुर में हैं, यहाँ पर भी हम इसके सिग्नल रिसीव कर पाए। तो अब अगला हम सेटेलाइट देख लें, तो अगला सेटेलाइट है हमारा 2 फिट की डिस्क पे, 2 फिट
डिस्प्ले काम करेगा, कौन सा सेटेलाइट, ये GSAT 9, ये भी दोस्तों 2 फिट पे चल जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पे भी इसका कवरेज शो नहीं हो रहा है। ये 2 फिट पे आप लगा सकते हैं। और अगला सेटेलाइट है हमारा, देख लें, अगला सेटेलाइट 128 डिग्री ईस्ट, ये दोस्तों लाओ सेट है। लाओ सेट का कवरेज मैप आपको दिखा दें, तो ये इसका दोस्तों कवरेज मैप है लाओ सेट का। कई बार हम इसको सेट कर चुके हैं और लाओ सेट का कवरेज आपको पता नहीं चलता किस एरिया में है किस पे नहीं, और आप ट्राई करते रहते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा कानपुर एरिया है और इसमें यहाँ पे दिखा रहा है 135 सेंटीमीटर, लगभग 4 फिट की डिस्क, लेकिन इसको हम 2 फिट पे ट्रैक किया है और आसानी से इसके सिग्नल मिल जाते हैं। और अगर आप इधर वेस्ट की ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, जितना पूर्व की ओर बढ़ेंगे उतना इसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ पर जितना ये इधर आएंगे उतना ही डिस साइज भी कम होता जाएगा और सिग्नल हमें ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सैटेलाइट थे जो आप 2 फिट पे इंडिया में ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आप मैप के हिसाब से अगर उस लोकेशन पे हैं तभी आप 2 फिट पे देख पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में फुल पूरे भारत में एक सा कवरेज नहीं रहता। हमने आपको यहाँ पे कई मैप दिखाए अलग अलग, जिनमें अलग अलग हमें कवरेज देखने को मिला। तो अगर आपका लोकेशन उस कवरेज में आता है तो ही आप उसका देख पाएंगे। और अंत में हम दोस्तों GSAT 15, जो हमारा DD 3D है, ये देख लें तो इसका पूरा सिग्नल हमें 2 फिट पे मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।